तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग एंड ट्रेडर्स में तो गाइस आई आई एफ एल सिक्योरिटीज लिमिटेड क्वार्टर टू दो हज़ार इक्कीस बाइस का रिजल्ट आ गया है तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि तो आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सके तो चलिए बिना देरी करिए सीधे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं गाइज जो रिजल्ट है वो लैक्स में दिया गया है तो पहले कॉलम में हम इस क्वार्टर का रिजल्ट देख सकते हैं दूसरे कॉलम में लास्ट क्वार्टर और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट तो गाई जो रिजल्ट है वो लैक्स में है हम इसको करोड्स में करके बताएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू की तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करा है वो इस क्वार्टर में है थ्री हंड्रेड एटीन पॉइंट थ्री फाइव करोड्स लास्ट क्वार्टर में था टू सिक्सटी एट पॉइंट जीरो फाइव करोड्स और लास्ट ईयर था टू हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट टू टू करोड्स तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस क्वार्टर में टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी लास्ट क्वार्टर में वन एटी वन करोड़ और लास्ट ईयर वन फोर्टी एट पॉइंट नाइन करोड्स तो अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की टैक्स पे करने से पहले जो कि होते हैं टोटल इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ उसमें से हम टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी को नाइन सिक्स पॉइंट फाइव फोर करोड का प्रॉफिट्स हुए हैं लास्ट क्वार्टर में एटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन था और लास्ट ईयर था सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री वन करोड्स तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स तो काफी ज्यादा हैं लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम टैक्स पे करने के बाद की बात करें तो इस क्वार्टर में सेवेंटी टू करोड्स लास्ट क्वार्टर में सिक्सटी एट पॉइंट एट करोड्स और लास्ट ईयर फिफ्टी करोड़ बेस्ट टैक्स पे करने के बाद भी कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इस क्वार्टर में लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों के ही मुकाबले काफ़ी अच्छे आए हैं अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की भी बात कर लें कंपनी के तो इस क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर रहे टू पॉइंट थ्री फोर रुपीज़ लास्ट क्वार्टर में थे टू पॉइंट टू रुपीज़ और लास्ट ईयर थे वन पॉइंट फाइव नाइन रुपीज़ तो काइज जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी प्रॉफिट्स की ही तरह इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आए हैं तो इसके शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें